She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickey's on my neck shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's defective, yeah. Can't think when she's aggressive. एक नई वीडियो के साथ तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से मैंने प्रोडक्ट्स लगाए जो मैंने फिलहाल ही मैंने अभी जो पीसी बिल्ड कराया है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से मैंने प्रोडक्ट्स लगाए, कौन से प्रोसेस लगाए, कौन से ग्राफिक कार्ड लगाए, कौन से मैंने एयर कूलर लगाया, क्या लगाया। तो चलो भाई लोग बिना किसी इंट्रो के सबसे पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलो भाई लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स रखे जो कि मैंने अपने पीसी में बिल्ड कराने के साथ लगाए थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मैंने क्या लगाया। तो चलो भाई मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एयर कूलर से स्टार्ट करूंगा। तो चलो भाई चलते हैं एयर कूलर के पास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एयर कूलर, एक सामान नीचे गिरा, कोई दिक्कत नहीं भाई, उठा लेंगे उसको बाद में। तो ये एयर कूलर है जो मैंने, तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये एयर कूलर लगाया अपने पीसी में। आप देख सकते हैं ये है कूलर मास्टर का हाइपर, इसके जो है वो प्रोडक्ट का नाम लिखा, मॉडल नाम लिखा, जो भी है। ये आता है आरजीबी के साथ, एलईडी के साथ आता है, आरजीबी एलईडी के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई मुझे, क्या ही कलर भाई। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे कलर है। तो अब मैं इसको साइड में रखता हूँ सबसे पहले। अब मैं आपको बताना मैंने प्रोसेस कौन सा लगाया। प्रोसेस लगाया मैंने राइजन 9 थर्ड जनरेशन का लगाया। तो सबसे पहले मैं इसको साइड में कर देता हूँ और मैं दिखाने वाला हूँ प्रोसेसर। तो ये है भैया कुछ प्रोसेसर, देखो बहुत छोटा सा होता है, राइजन 9 का, एएमडी राइजन 9। तो चलो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसके अंदर अभी फिलहाल कुछ है नहीं, जो भी है मैं अभी दिखाने वाला हूँ जो नेक्स्ट अभी वीडियो में, दूसरे वाली वीडियो में जो अभी आएगी। एंड चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो भाई लोग आप देख ही सकते हैं राइजन 9 जो कि भैया बहुत खतरनाक है अभी के टाइम में, गेमिंग पीसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या ही बताऊँ। मैं गया था जैसे परचेज करने के लिए गया था, बहुत तगड़ा भाई, क्या ही बताऊँ। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अच्छे से। सबसे आप देख सकते हैं AMD राइजन 9 यहाँ पे भी लिखा है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, तो ये सब लिखा है, मेन्यू कार्ड लिखा, जो भी है छोटा सा एक होता है प्रोसेसर। तो मैं इसको भी साइड में रखता हूँ। अब चलते आगे की ओर। तो भाई ये कॉर्सियर का रैम है 16GB DDR4 का 3200 MHz का। तो मैंने अपने पीसी में ये लगाया था, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी जो कॉर्सियर का DDR4 16GB रैम 3200 MHz। आप देख ही सकते हो भैया बहुत ही बढ़िया रैम है जो कि मैंने अपने पीसी में लगाया। तो चलो भाई लोग अभी दूसरी तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लोग जितनी भी प्रोडक्ट्स है अभी आपको जल्दी बताने वाला हूँ। जब मैं पीसी बिल्ड कराने जाऊंगा तो मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा डिटेल में, मतलब वीडियो बनाऊंगा उसके भी दिखाऊंगा, इसी वीडियो में आने वाली वाली वीडियो। तो अभी आप देख सकते हैं 500GB की NVMe का मेरे पास ये पड़ा है भैया, जो कि बहुत खतरनाक है ये, क्या ही बताया NVMe, जिसे मतलब क्या ही बताया, बहुत खतरनाक बोलते थे, मतलब भैया 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है SSD से। और जो मैंने अपने पीसी पे यही लगाया सैमसंग कंपनी का, आप देख सकते हैं SSD NVMe 970 EVO। तो चलिए भाई इसको साइड में रखते हैं सबसे पहले अभी हम। तो भाई लोग अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो है मेन भैया मेन मुद्दा हमारा ये मदरबोर्ड या ASUS का मदरबोर्ड, तो टफ गेमिंग X570+ वाईफाई के साथ आता भैया, बहुत खतरनाक मदरबोर्ड है। मैं आपको सबसे पहले इसका दिखाता हूँ डब्बे को उठा के, इस बॉक्स को उठा के दिखाता हूँ क्या खतरनाक है भाई, मतलब मदरबोर्ड बहुत खतरनाक मदरबोर्ड है। अभी मैं डिटेल से बताने वाला हूँ सब कुछ, एक और एक नई वीडियो आएगी, इस वीडियो को आप पूरा देखना। मैंने पीसी बिल्ड कर रखा है, इसमें सब कुछ दिखाया, मैंने प्रोडक्ट्स के सारे नाम बताए। और देख सकते हो भैया इंडिया का, भाई देख लो इंडिया का टफ गेमिंग प्लस वाईफाई के साथ आता भाई, वाईफाई के साथ, तो ASUS कंपनी का। आप अच्छे से देख लो इस बॉक्स को, इसमें सारे इसके डिटेल्स लिखे हैं, आप देख सकते हो कितना मेमोरी है, क्या है मतलब स्टोरेज, जो भी आप सब कुछ देख सकते हो इजिली। एंड मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छे से डिटेल में। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए भाई लोग अब बढ़ते हैं गेमिंग माउस, जो भी है गेमिंग माउस और पैड जो है हमारा गेमिंग माउस पैड, ये कुछ ऐसे उसमें मिल गया था, मैं लोकल में मिल गया था, मतलब जब हम शॉप में गए थे लेने के लिए तो उसने दे दिया, फ्री मिला था उसके साथ जब उन्होंने लिया था, तो फ्री क्या है, काट ही लिया बस बंदे ने, जो भी है जो बोलते हैं। तो ये कुछ गेमिंग माउस पैड तो था, वो साइड में नीचे रखा हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से। तो भाई लोग चलो इसको साइड में रखते हैं, बढ़ते आगे की ओर।
तो चलिए भाई लोग, अब बढ़ते हैं अपने पावर सप्लाई के पास। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ भाई लोग, देखो आपको पीछे एक चैनल नजर आ रहा होगा विपुल चंद्रग्राम, सबका सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, ठीक है। आपको ऐसे बेहतरीन नई नई वीडियोस मिलते रहेगी डेली, हम डेली स्ट्रीम करते हैं तो आपको वीडियो मिलती रहेगी, डेली स्ट्रीम करते हैं जो भी है। एंड चलो भाई बढ़ते हैं पावर सप्लाई के पास। देखो भैया गीगावाट का पावर सप्लायर है, आप देख सकते हैं भैया भाई खतरनाक है भाई, 600 पावर है सप्लाई, P65 650 पावर सप्लाई का ही जो काम आता है गीगावाट का पावर सप्लाई देने के लिए, पावर सप्लाई देने के लिए आप देख सकते हैं गीगावाट का। आप डिटेल्स में सब कुछ देख सकते हैं क्या है क्या लिखा है, अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी बहुत अच्छे से, तो इसको हम साइड में रखते हैं सबसे पहले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के सामने, जो मेन होता है भैया, जो एक कंप्यूटर में डीसी बिल्ड कराने से बहुत मेन होता है वो होता है ग्राफिक कार्ड भैया, ये तो मतलब बहुत मेन होता है वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा। तो इसको मैं दिखाने वाला हूँ भैया एनवीडिया, जिसे कहते हैं भैया बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, मैंने अपने पीसी में लगाया तो आपको अच्छे से दिखा दूँ। इनोडी 3D ग्राफिक कार्ड है 12 GB का, आप देख सकते हैं 12 GB, ठीक है, और 192 बीट का है, DDR6 का है, आप देख सकते हैं 12 GB की ग्राफिक कार्ड है। 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है सभी में, जितनी भी है 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है लगभग लगभग, आप देख सकते हैं RTX 3060 भैया बहुत खतरनाक है। आप डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। अब भाई लोग जो हमारा आ जाता है लास्ट में जो है कीबोर्ड, ये कीबोर्ड भैया बहुत बेहतरीन तो नहीं कह सकता मैं, नॉर्मल कीबोर्ड है, सस्ता टिकाऊ कीबोर्ड है, जो मैंने वहीं से लिया था शोरूम से, जो भी मैं पीसी बिल्ड कराने गया था वहीं से लिया था, तो इसी वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आप पूरी वीडियो को देखना, पीसी बिल्ड का भी इसी में वीडियो है, आगे जाके इसी में वीडियो आएगी। तो आप देख सकते हैं जेवरोनिक गेमिंग कीबोर्ड लिखा है, माउस कॉम्बो इसके साथ है, बहुत खतरनाक है, RGB के साथ आ जाता है। मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूं आपको, आप देख ही सकते हैं भाई लोग, बहुत मतलब कूल सा लग रहा है, बहुत खतरनाक लग रहा है इसका माउस, जैसे क्या ही खतरनाक लग रहा है इसका माउस, मैं आपको अच्छे से और डिटेल में बताने वाला, सेटअप टूर भी आएगा बहुत जल्द, एंड इस वीडियो में जो है पीसी बिल्ड का आ जाएगा आगे जाके, आप देखना। तो चलिए वाले अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट है, इसका कीबोर्ड मैं दिखाने वाला हूँ, कीबोर्ड कैसा देखो, कीबोर्ड जो है इसका कुछ ऐसा है भैया, बहुत खतरनाक सा कीबोर्ड है RGB के साथ। अब मैं दिखाना इसका माउस कैसा है, इसका जो माउस का आप देख सकते हैं कलर जो है हर पर सेकंड में चेंज होते रहता है, आप देखना कलर देखना चेंज होता रहता है इसका, हर 5 सेकंड में चेंज होता है इसका कलर, देख सकते हैं आप क्या ही खतरनाक सा लग रहा है इसका माउस। और साथ में इसके आपको 2 बटन मिल जाते हैं साइड में, देख सकते हैं आप, और क्या ही खतरनाक सा माउस है भाई लोग, आप देख सकते हैं। इसको रखते हैं आप साइड में, यहाँ पे आने वाली है, तो आप देखो पीसी बिल्ड की वीडियो कैसे पीसी मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, जो बंदे ने बनाया, जो मैं परचेस करने गया था उस बंदे ने बनाया, तो आप देख सकते हैं। चलो इस वीडियो को देखते हैं। You think I learned my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah. No, we ain't getting no sleep. Yeah. She's sitting up in the front of the class, using that ass, she gonna pass. Keeping her pad and her pen in her lap, she been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad, I'll give her lessons that she never had. Like taking a freshman and teaching her math, I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing, they don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson, with hands-on sessions, points for attendance. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back while I'm texting, said she wants to get it in, said she'll bring her best friend. Know what happened next, man. You know what happened next, man. Treat her like a guest, man. Rolling out the best, man. She had a confession, yeah. She wanna stay for a minute, she wanna play for a minute, she wanna stay for a minute, and now I'm all up in it. I'll be back in a minute, I'll be back in a minute. Make a track in a minute, and now I'm all up in it. We ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah. No, we ain't getting no sleep, yeah.